press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi friends, मैं हूं गौरव बंसल और आप देख रहे हैं Bitcoin Basics Club. और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं Dogecoin पे, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि निकाली गई थी एक जोक के तहत और जिसका नाम रखा गया था एक डॉग की ब्रीड पर. तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि क्यों ना इन्वेस्ट करें Dogecoin में. Hey everybody, मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी एक राय रहती है कि जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो टोकन में आप इन्वेस्ट करें तो आप सबसे पहले ये समझें कि जो उसकी फाउंडिंग टीम है उसका विजन क्या है, उस क्रिप्टो टोकन की यूज केसेस क्या है और रोड मैप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. केवल इसलिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो टोकन में इन्वेस्ट ना करें कि आप उसे रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे. बट क्या हर क्रिप्टो टोकन इन्वेस्टमेंट के लिए बना है? क्या हर क्रिप्टो टोकन या क्रिप्टो करेंसी का यूज केस इसीलिए है कि आप उसमें पैसे डालें और निवेश करके उसे रख लें और आगे जब उसके पैसे बढ़ जाए तब आप उसे बेच दें? जितने भी लोगों ने Dogecoin में इसलिए पैसे लगा रखे हैं, इसलिए उसे खरीद रखा है कि कल को उसके रेट बढ़ जाएंगे तब उसे बेच के दे वुड ग्रो रिच, तो वो बहुत बड़ी गलती पर है और बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं. और आज मैं उन सभी कारणों का डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि Dogecoin में निवेश एक बहुत बड़ी भूल है. Dogecoin की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इट वॉज फ्लोटेड इन डिसम्बर 2013 एंड स्टार्टेड बाई जैक्सन पामर एंड बिली मार्कस. शुरुआती दौर में बहुत ही क्लियर था इनका थॉट, बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत क्लियर थे कि दे वांटेड टू फ्लोट अ क्रिप्टो करेंसी जस्ट फॉर फन. यस, जस्ट फॉर फन. दे वर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. वो नहीं चाहते थे कि लोग निवेश करें और रिच हो जाए, बिल्कुल नहीं. उनका एक ही मकसद था, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी फ्लोट करी जाए जो कि टिपिंग के काम आ सके, जो कि कैश का ऑल्टरनेटिव बन सके. कितने कैश का? छोटे से छोटे कैश का, जो जिसे माइक्रो पेमेंट्स भी करी जा सके. Dogecoin का नाम रखा गया था आफ्टर अ जैपनीज ब्रीड ऑफ डॉग शिबा इनू एंड इट वॉज फ्लोटेड प्योरली आउट ऑफ जोक. सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके फाउंडर्स थे दे लेफ्ट द टीम इन 2015. जैक्सन पामर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट द टीम इन 2015 आफ्टर फ्लोटिंग, आफ्टर पुटिंग इट्स कोर एंड फ्लोटिंग दिस क्रिप्टो करेंसी. टीम को खुद ये भरोसा नहीं था कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर $1 बिलियन की मार्केट कैप क्रॉस कर जाएगी, और वो कभी इस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस नहीं थे. इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत ही शुरुआती दौर में लॉन्च होने के बाद बहुत ही कुछ दिनों के अंदर इन विद इन आफ्टर अ वीक इट इनफैक्ट क्रैश्ड टू 80% ऑफ इट्स ऑल टाइम हाई. और यहां तक कि कुछ दिनों के बाद डोगे वॉलेट से एक बहुत बड़ी हैक भी हुई थी. इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ही ज्यादा वीक थे और प्रोजेक्ट को लेकर कहीं भी ऐसी कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई थी. जिसके फाउंडर्स खुद प्रोजेक्ट को छोड़कर चले जाएं, दे आर नॉट श्योर ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, वुड यू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट? तो आखिर इनके फाउंडर्स का मकसद क्या था? आई रीड आउट द स्टेटमेंट सेड बाय जैक पामर. द फैक्ट दैट मोस्ट कन्वर्सेशंस हैपनिंग इन द मीडिया एंड बिटवीन पीयर फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इज वरिंग एज इट ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड गोल्स दिस मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन. I have a lot of faith in Dogecoin core development team to keep the software stable and secure, but I think it says a lot about the state of the cryptocurrency space in general that a currency with a dog on it and which has not released a software update in over 2 years has a $1 billion market cap. ये उस वक्त की बात है, जैक्सन पामर से उस वक्त की बात करी गई है जब इनकी $1 billion ऑफ द मार्केट कैप पहुंच गई थी इन दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 की हम बात करें तो एक बूम पीरियड था जिस उस वक्त एक बहुत ही स्ट्रांग रैली हुई थी, एक बहुत ही स्ट्रांग बुल रन था क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में और हर क्रिप्टो करेंसी की नई ऊंचाइयों को छू रही थी और जिसमें Dogecoin वॉज वन ऑफ देम टू क्रॉस $1 billion ऑफ द मार्केट कैप और लोगों का वहीं से उसकी तरफ एक बहुत ज्यादा ध्यान खींचा. बट लोगों ने गलती कर ली, हर क्रिप्टो करेंसी निवेश के लिए नहीं बनी होती है. और इनफैक्ट यहाँ पे जैक्सन पामर ने क्लियर कहा है, इवन ही वाज शॉक्ड टू सी कि एक क्रिप्टो करेंसी जिसपे की एक डॉग की फोटो है एंड विच वाज अ मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी जस्ट फॉर जोक दैट क्रॉसेस $1 billion और जिसपे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए पिछले 2 सालों में. इनफैक्ट द फाउंडर वॉज शॉक टू सी दैट. तो आखिर इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पस बहुत ही सिंपल था. इसके 3 यूज केसेस हैं, 3 मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं. फाउंडिंग टीम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी
कि लोग इसे निवेश करके जैसे बिटकॉइन को लोग होल्ड कर लेते हैं इसे होल्डिंग करें। इनफैक्ट शुरुआत में जब डोगेकॉइन फ्लोट करा गया था नंबर ऑफ कॉइन सप्लाई वॉज लिमिटेड टू 100 बिलियन डॉलर और जो कि अब हटा दी गई एंड विच हैज बिकम इनफाइनाइट। आई रिपीट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। मेरा सभी आप सभी से सवाल है कि बिटकॉइन की कीमत क्यों बढ़ती है। बिटकॉइन की कीमत इसलिए बढ़ती है, कहीं ना कहीं उसमें एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई टू बी सर्कुलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन जो कि रिलीज होंगे एवर, दैट हैज बीन कैप टू 21 मिलियन। बट डोगेकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ डोगेकॉइन कैन बी रिलीज। इनफैक्ट 100 बिलियन ऑफ डोगेकॉइन तो ऑलरेडी सप्लाई हो भी चुके हैं मार्केट में, दे आर फ्लोटिंग इन द मार्केट। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि फाउंडिंग टीम चाहती ही नहीं थी कि लोग इसे इन्वेस्टमेंट टूल की तरह लें। वो इनफैक्ट चाहते थे कि लोग सबसे पहला कि लोग इसे टिपिंग की तरह इस्तेमाल करें। आपको किसी का काम पसंद आया इंटरनेट पे, आपको किसी का कंटेंट पसंद आया तो आप इसे टिप कर सके। क्यों टिप कर सके? क्योंकि ये माइक्रो पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा करने के लिए दे कैप द ट्रांजेक्शन फीस वेरी लो। जितने भी लोग माइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा उन सबसे एक सवाल है, प्लीज काइंडली चेक कि डोगे कॉइन का एक ब्लॉक ऐड करने में कितने डोगे कॉइन्स रिलीज होते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये भी चेक करें कि क्या हर बार सेम नंबर ऑफ डोगे कॉइन्स रिलीज होते हैं। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन रिवार्ड्स जो अभी एक ब्लॉक को ऐड करने में रिलीज होते हैं, दैट इज 12.5 बिटकॉइन्स पर ब्लॉक दैट्स एडेड, और जो कि हर कुछ समय के बाद आधा हो जाता है। बट डोगे कॉइन के साथ ऐसा नहीं है। सो काइंडली चेक दैट। आखिर ये सब क्यों करा गया? ये सब इसलिए करा गया कि ताकि ये एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टोकरेंसी ना बने, मतलब कि इन्फ्लेशन से इसे बचाने की इनकी बिल्कुल भी कवायद नहीं थी। ये बस इतना चाहते थे कि एक अनलिमिटेड सप्लाई रहे जो कि माइक्रो पेमेंट्स में काम आए और कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक कैश को रिप्लेस कर सके। इसलिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग ई कॉमर्स में भी देखा जाता है। सो देयर थ्री यूज केसेस। वन इज फॉर द टिपिंग या डोनेशंस के लिए, माइक्रो पेमेंट्स के लिए इनके ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम है, एंड थर्ड इफ दे कुड रिप्लेस इट एज अ करेंसी इन द ई कॉमर्स। तो जितने भी लोग अभी तक डोगे कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे एक निवेशक की तरह, तो बहुत बड़ी गलती में थे और अभी भी आपके पास मौका है इस गलती को ठीक करने का। एक अच्छी बात मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक डोगे कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है तो एक लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं जिससे आप डोगे कॉइन का पेपर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। पेपर वॉलेट पे मेरी और भी वीडियोस हैं, आप समझ सकते हैं कि हाउ इजी इट इज टू क्रिएट अ पेपर वॉलेट, और पेपर वॉलेट में कैसे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने एक्सचेंजेस पे डोगे कॉइन को रख रखा है, आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सून आई विल डू अ वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट अ पेपर वॉलेट ऑफ डोगे कॉइन, वो भी मैं वीडियो कर दूंगा, यू कैन चेक दैट इन द अपकमिंग अपडेट्स। कंक्लूड आज का बस मेरा इतना ही है। इनफैक्ट मैंने डोगे कॉइन के बारे में अपनी बुक में भी डिस्कशन करा है, अ क्रिप्टो करेंसी विच हैज बीन फ्लोटेड आउट ऑफ अ जोक, कि यार किसी की मत सुनिए अपनी सुनिए, कि हैव यू डन योर ओन रिसर्च। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप निवेश करते हैं तो पहले अपनी रिसर्च करें, दिखावों पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं, बेवकूफ बनने से बचें। और सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर यूजफुल लगी, तो प्लीज डू शेयर इट। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।